11th क्लास है, तो आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी के पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। इनकी भाषा है अवधी और ब्रज, शैली है प्रबंधात्मक मुक्तक शैली, और इन्होंने दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंद का प्रयोग किया है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास के संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं वे इस प्रकार हैं। वेणी माधव पंडित मूल गोस्वामी चरित्र तथा महात्मा रघुबर दास चरित्र। तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी बताया गया है। शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म 1526 ईस्वी बताया तथा पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया। सर जॉर्ज गिर्सन द्वारा इसी जन्म संवत को भी मान्यता दी गई। इनके जन्म के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। मूल गोस्वामी चरित्र तथा तुलसी चरित्र में इनका जन्म राजापुर स्थान बताया गया है, और शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इनका जन्म सोरो नामक स्थान में भी स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म सुकर खेत को ब्रह्मवश सोरो मान लिया गया। सुकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। गीतावली में माता पिता जग जाई जो विधियों न लिखियो कुछ भला भाल भला है, अर्थात अथवा बरे ते लालत बिलावत द्वार द्वार दीन चाहत हौ चरी फल चरी ही चनक को आदि अनंत साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि तुलसीदास का बचपन अनेक आपदाओं में व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्पात हो गए। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी है वह बड़ी ही रूपवती पत्नी थी जिससे यह अत्यधिक प्रेम करते थे। इस पर इनकी पत्नी इनका कई बार इन भर्त्सना करते हुए लाज न आई आपको देरो आयो साथ, इससे इनकी भवधारा प्रभु की ओर उन्मुख हो गई। मतलब कई बार इनकी पत्नी ने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जिसके कारण क्या हुआ कि इनका जो मन था वो वैराग्य हो गया और प्रभु में लग गया। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण, रामाग्य प्रश्न, हनुमान बाहुक तथा राम लला नहचू आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी हैं। तुलसी के इष्ट देव श्री राम थे
उन्होंने लिखा है तुलसी चाहत जन्म भरी रामचरण अनुराग। इसके द्वारा चरित्र महाकाव्य से रामचरितमानस भाषा भाव उद्देश्य कथा वस्तु चरित चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस के संदर्भ में तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कीरति भिनति भूति भली सोई सुर सरी सम सब कर हित होई। रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति परिवार समाज राज्य राजा प्रशासन मित्रता दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता है। इनके एक अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। यह हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीति काव्य है। आत्मग्लानी भक्त हृदय का प्रणीत पूर्ण समर्पण आराध्य के प्रति भक्त का दैत्य यही विनय पत्रिका की मुख्य विशेषता है। यह वस्तुतः तुलसीदास के अंतःकरण का इतिहास है। विनय पत्रिका में उनके अति भावुक स्वभाव की एक झांकी प्रस्तुत मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष है। ये साम्यवादी थे। इन्होंने रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदाय में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। निषाद एवं साबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित महत्वहीनता को प्रकट किया और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया। संक्षेप में तुलसीदास जी एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न और लोकहित में समन्वय भावना से युक्त महाकवि थे। भाव चित्रण चरित चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्श के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में भी मिलना दुर्लभ है। तुलसी ने प्रकृति चित्रण के भी अनेक मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने प्रायः अलंबन उदितपन मानविकीकरण उपदेश आत्मक तथा अलंकारिक रूप में भी प्रकृति चित्रण को प्रस्तुत किया। तुलसी ने अपने काव्यों में दार्शनिक तत्व जैसे ब्रह्म जीव जगत माया जैसे गूढ़ दार्शनिक पहलुओं पर अपने विचार बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे ईश्वर अस जीव अविनाशी माया, उन्होंने माया की निंदा की और प्रभु को और जीव को प्रभु भक्ति में लीन होने का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधि दोनों भाषाओं की रचनाएं की। उनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका गीतावली तथा कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली विनय पत्रिका में मुक्तक शैली तथा दोहावली में कबीरदास के समान प्रयुक्त की गई साखी शैली स्पष्ट रूप से देखी जाती है। तो इन्होंने श्री रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा है और विनय पत्रिका मुक्तक शैली में तथा दोहावली साखी शैली में लिखी गई है। यत्र तत्र अन्य शैलियों का प्रयोग भी किया गया है। कहीं कहीं पर अन्य शैलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तुलसीदास ने चौपाई दोहा सोरठा कवित्व सवैया बैरवे छप्पे आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया। तुलसी के काव्यों में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में किया गया। इन्होंने अनुप्रास रूपक उपमा उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह
असंगति एवं दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया है। तुलसी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर परिपाक मिलता है। यद्यपि उनकी काव्य में शांत रस प्रमुख है, प्रस्तुत श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। इनके अतिरिक्त करुण, रौंद्र, विभिस, भयानक, वीर, अद्भुत एवं हास्य रसों का भी प्रयोग किया है। तुलसी का काव्य गेय है, जिसमें संगीत आत्मकता के गुण सर्वत्र विद्यमान हैं। वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। इन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया। उनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, शिव की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो उन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। तो ये आपका जीवन परिचय हो गया, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।